Hello ones, welcome back to the Unacademy J YouTube channel. Myself Paras Thakur and let's start a new series. तो आज बच्चों हम start करने वाले हैं the NCERT के solutions. Yes, तो board exams आने वाले हैं and these solutions not only prepare you for your board examinations, but ये solution आपको एक practice करने में help करते हैं. कुछ चीजें आप सीखोगे, आपका revision भी होगा, तो आपकी ये JEE NEET के लिए भी आपको help करेंगे, because NCERT आपको पता है कि NCERT सबसे important book है. आप अगर JEE और NEET को crack करना चाहते हैं, तो ये exercise आपके हर एक exam के लिए बहुत-बहुत beneficial होने वाला है. तो all those new students जो आज नए हैं, subscribe the channel right now, because Unacademy J is the best channel out there for your competitive preparation. And guys, about me, agar aap thodi bahut introduction mere bare mein agar nahi jante to bata deta hu. I've been teaching coaching IIT J NEET AIIMS aspirants for last 10 years now. I have been working with the top 3 coaching institutes in the coaching industry before joining Unacademy, or I was awarded by the GFEL 2019 event as one of the top 100 global leaders in education. So thank you for all the love and support. Abhi ki mohalle mein halla kar do. Share this lecture right now. Theek hai? To aaj hum start karenge NCERT solution. Hello Alken and hello Arins ke. Question number 1 to 4. Very crisp to the point solution. Theek hai? To start karte hai isko. Jaldi se chaliye. Dekhte hai. Aur share zarur kar dena, because this thing is going to help a lot of students, because aapko pata hai ki board exams ka pressure kitna zyada hota hai bachchon ke sar pe. Dekhiye, first question, simple question hai, but fir bhi skip karna is not a good idea. Easy hai to jaldi nipat jayega. Dekho, name the following halides according to the IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl, primary, secondary, tertiary, vinyl or aryl halides. Dekhiye, pehla wala kya aapka CH3 twice, CHCH, Cl. Isko thoda sa na expand karke likh dete hain. ठीक है, तो CH3 twice ये आ गया CH, फिर next CH पे एक CH3 लगा है और एक Cl लगा हुआ है. ठीक है, ये इस तरह से आ गया. तो बेटा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? देखो, अगर मैं ये मेन चेन आ गया मेरा 1 2 3 4, अब मैं ऐसे चलूं तब भी चार है, ऐसे चलूं तब भी चार की तो चेन आएगी. यहां से 1 2 3 2 3 पे ब्रांचेस हैं, वहां से भी 2 और 3 पे हैं. यहां से चलूंगा तो 2 पे मिथाइल और 3 पे क्लोरो, वहां से चलूंगा तो 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल. तो बेटा अगर लोकेंट सेम हो, 2 और 3 आने लोकेंट्स आपके, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं, तो क्लोरो का सी ज्यादा प्रायोरिटी आएगा कंपेयर टू मिथाइल, है ना. तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. क्या गया ये? दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, और ये कितने डिग्री हैलाइड है? अभी जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, वो कार्बन अपने आप में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दैट्स अ 2 डिग्री कार्बन. और 2 डिग्री कार्बन पे जब हैलोजन अटैच्ड है, तो इट विल बी कॉल्ड अ 2 डिग्री हैलाइड सेकेंडरी. ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकेंडरी हैलाइड. दूसरे की बात करें, देखिए CH3CH2C, इसके ऊपर 2 ब्रांचेज हैं, फिर CH2I, मतलब ये CH3CH2C, इसके ऊपर 2 ब्रांचेज लगा ली, देन CH2 ये. अब बेटा ऑब्वियस बात है, राइट साइड से स्टार्ट करूंगा मैं, तो लोअर लोकेंट आएंगे, है ना, वहां से स्टार्ट करूंगा, तो 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 2 पे 2 ब्रांचेस और 1 पे भी है, तो 1 2 3 4. आई नो कि आपको नेमिंग आता होगा, अगर आप लोगों को नेमिंग नहीं आता है, जस्ट सर्च IUPAC नॉमेनक्लेचर इन, आई थिंक 50 मिनट्स मैंने रिवाइज करवाया हुआ है, एक ऐसा सेशन भी मैंने लिया हुआ है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इन 50 मिनट्स Unacademy सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा, और IUPAC पे पूरा चैप्टर भी पढ़ाया गया है, तो अगर आपको डिटेल में IUPAC नेमिंग रिवाइज करने है, तो वो भी आप कर सकते हो. तो क्या होगा बेटा, यहां पे 2 2 पे डाइमिथाइल है और 1 पे क्या है? आयोडो. तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, क्या आएगा? डाइमिथाइल का डी काउंट नहीं होता अल्फाबेटिकल में, एम होता है. ठीक है, तो आयोडो आई पहले आ जाएगा, तो 1 आयोडो 2.2 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, और ये जिस कार्बन के ऊपर आयोडीन लगा है, वो कार्बन अपने आप में 1 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका 1 डिग्री हैलाइड हो गया. तीसरे की बात करें तो CH3CH3, तो थर्ड की अगर हम बात करें तो CH3CH, और यहां पे ब्रांच लग गई आपकी CH3 एंड CH, फिर BrCH3. यहां पर अगेन लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 1 2 3 एंड 4. नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि ब्रांच मेरा 2 और 3 पे जा रहा है,
है ना, वहां से चलूंगा तभी टू और थ्री पे आता। तो जब लोकेंट्स मेरे सेम है तो ब्रोमो को मैंने प्रेफरेंस दी क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो बेटा टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज टू ब्रोमो थ्री मिथाइल, बिल्कुल पहले जैसे पहले वाले की तरह है, वो टू क्लोरो था, ये टू ब्रोमो है ना। CH3CH पे CH3 है और पहले वाले में क्या था, CH3 ट्वाइस था, एक सेकेंड, आई थिंक पहले वाले में हमने सही किया, दो तीन चार पांच कार्बन वहां पर भी हैं और तीन चार पांच कार्बन यहां पर भी हैं, ये CHBr, फिर उस पे यस CH3CH CH3, देन CHCl CH3 फाइन है, थर्ड वाले में CH3CH CH3। हाँ एक ही बात है, उसने उसको CH3 ट्वाइस करके लिख दिया था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन के बारे यहां पर आपको लग सकता कि हो गया हो, बट कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि इन्होंने ये CH3 ट्वाइस इकट्ठा लिख दिया, इन्होंने ये अलग अलग लिखे हैं, ठीक है, बात घुमा फिरा के वही है। और ये एक्चुअली 1 2 3 नहीं है, ये 1 3 5 है, ध्यान देना ही है। टू वाले जो इवन नंबर वाले हैं वो हम अगली स्लाइड पे उनको डिस्कस करेंगे। देखो तो ये हो गया, तो यहां पर भी ये 2 डिग्री हैलाइड है क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो 2 डिग्री है। अब थर्ड वाला CH3C, थर्ड नहीं मतलब सॉरी फोर्थ वाला जो है, मतलब आपका सेवंथ वाला जो यहां पर है, यहां से मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, तो CH3CCl, तो चलिए इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वन, CH3CCl एंड C2H5 भी ब्रांच में लगा हुआ है, ये आ गया CH2CH3, कुछ इस तरह से है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगी मेरे पास, 1 2 3 4 5, यहां से चलूंगा तो 1 2 3, वहां से लूंगा तब भी 1 2 3, तो 3 पे ही आना है, एक पे क्लोरो और एक पे मिथाइल है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने भी 3 2 5, दैट इज पेंटेन। और जिस कार्बन पे क्लोरो लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट्स 3 डिग्री, तो बेटा ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ। फिर CH3CH, इस वाले को अगर हम देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 ट्वाइस, ये आ गया। एल्कीन है, एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, वहां से चलोगे तो 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां से चलोगे तो 2 पे आएगा, तो क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा प्रायोरिटी है तो 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, तो याद आएगा ये 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और 5 कार्बन, तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ईन, पेंट 2 ईन, सिंपल। तो बेटा जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है वो कार्बन अपने आप में कितना है, ये 3 डिग्री है, यस 3 डिग्री है, पर साथ में ये अलाइलिक भी है, तो ये 3 डिग्री अलाइल हुआ, अलाइलिक है और साथ में 3 डिग्री है, तो दिस इज 3 डिग्री अलाइलिक। अलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन को अलाइल बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन। तो ये अगर सिंपल 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री अलाइलिक, अगर ये कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अलाइलिक, जैसे अभी ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं जस्ट इसकी बात करूं तो ये 1 डिग्री अलाइलिक हुआ, ये वाला आपका 2 डिग्री अलाइलिक है, ये वाला आपका जस्ट 1 डिग्री अलाइलिक है, और अगर ये इस तरह से है, ये वाली पोजीशन अपने आप में 3 डिग्री कार्बन है, तो ये मेरा 3 डिग्री अलाइलिक हो जाएगा। तो इज दैट फाइन, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, दैट इज क्लियर, ओके डन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक हो गया, मेटाक्लोरो CH2C6H4CH2C CH3 थ्राइस, ओके, मतलब यहां से चले हम CCH3 थ्राइस, ठीक है भाई, एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसके आगे CH2 और CH2 पे लगा है बेंजीन रिंग, ओके, और उस बेंजीन रिंग में ठीक है कार्बन पे C6H4, फिर मेटा पोजीशन पे क्या लगा है CH2Cl, मेटा पोजीशन पे आपका लगा हुआ है CH2Cl, है ना, ये है ना, ये ClCH2, तो ऑब्वियस बात है ड्रैकिंग तो Cl कनेक्टेड नहीं होगा, CH2 के साथ Cl कनेक्टेड होगा। तो देखिए ये वाला कार्बन यहां पे आ गया, 3 मिथाइल ग्रुप लगे थे, उसके बाद CH2 के साथ डायरेक्टली ये बेंजीन रिंग कनेक्टेड है,
ओके, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब इसकी नेमिंग है बेटा, जो आपका मेन चेन लोगे वो तो आपको बेंजीन को लेना पड़ेगा, तो बेंजीन पे ये 1, 2, 3 यहां से चलेंगे तो 1, 2, 3, वहां से चलेंगे तो 1, 2, 3, मतलब लोकेंट्स तो वही है, 1 और 3 ही आना है, तो उसको लूं तो ये क्लोरोमिथाइल है, दिस इज क्लोरोमिथाइल, और ये ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, ये वाला ग्रुप को अगर मैंने को नाम देना है तो इसको तो नियोपेंटाइल बोलूंगा मैं, तो 3 पे नियोपेंटाइल है, ठीक है, और नियोपेंटाइल की जगह पे अगर इसको नियोपेंटाइल नहीं बोलना है इस पूरे ग्रुप को आपको, तो आप इसको और क्या बोल सकते हो बेटा, आप इसको बोल सकते हो ये 1-2-3- 3 कार्बन की मेन चेन है, 2-2-डाइमिथाइल, तो 2-2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, और ये आ जाएगा क्लोरोमिथाइल, तो 1 पे इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो मैं नाम लिखूंगा नहीं, इसका बहुत लंबा हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा आपका क्लोरोमिथाइल और 3 पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना जाए तो ब्रैकेट में लिखोगे पैरेंथेसिस में 2-2-डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, सिंपल, ठीक है, तो क्लियरली भाई ये क्या हुआ, ये आपका बेंजाइल है, हां जी बेंजाइल है, क्योंकि बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा है, तो बेंजाइल क्लोराइड हुआ, और वो भी 1 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो बेंजाइल है, पर कौन सा, प्राइमरी बेंजाइल, तो ये आपका 1 डिग्री बेंजाइल है, फाइन, यहां तक का क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस साथ में कर ही लेना इसको, चलिए नेक्स्ट वन, बाकी के इनके जो बचे हुए पार्ट थे 2, 4 है ना, 6, 8 वाले, तो नेम द फॉलोइंग, अगेन वही काम करना आपको यहां पे, CH3CH2CH CH3, तो CH3CH2CH CH3 CH2H5 Cl, बेटा इसमें लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो, लॉन्गेस्ट चेन कहां से आएगी, ये यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस मेरी 3 और 4 पे जा रही हैं, वहां से चलता हूं तब भी 3, 4 पे आ रहा है, यहां से चलता हूं तब भी 3, 4 पे आ रहा है, तो क्लोरो को प्रायोरिटी दूंगा मैं, यही मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो को प्रायोरिटी मिलेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, बिकॉज ये सारी चीजें हमने लेक्चर में पढ़ी हुई है बेसिक, अभी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द टाइम कि जब मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि IUPAC नेमिंग का तरीका क्या होता है, ठीक है, तो वो अगर आपको जाननी है तो आपको मेन लेक्चर देखने पड़ेंगे, देखिए 3-क्लोरो-4-मिथाइल-हेक्सेन, तो दिस विल बी 3-क्लोरो-4-मिथाइल-हेक्सेन, फाइन, ये वाला क्लियर हो गया, चलिए तो ये वाला कितने डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री क्लोराइड आपका, इट्स 2 डिग्री, डन, नेक्स्ट वन देखो, CH3 thrice CCH2, CH3 thrice CCH2 CH Br pH, है ना, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ओके, अब इसको दो तरीके से मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि मैं अल्केन को मेन चेन ले लूं और बेंजीन को मैं एज अ ब्रांच ले लूं, और ये भी कर सकता हूं कि मैं बेंजीन को, हां बेटा एक कंपाउंड के 2 IUPAC नेम भी हो सकते हैं, होते हैं, एक कंपाउंड के मल्टीपल IUPAC नेम हो सकते हैं, बस उन सभी IUPAC नेम से जब आप स्ट्रक्चर जनरेट करोगे तो वो डिफरेंट IUPAC नेम आपको सेम स्ट्रक्चर दें, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते आपको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक IUPAC नेम से कुछ और स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, दूसरे से कुछ और स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, नो दैट शुड नॉट बी डन, तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो मान लीजिए अगर हम अल्केन को ही मेन चेन लें तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, ये मेरा 1-1 है ना, 1 पे 2 ब्रांचेस लगी हैं, अगर मैं यहां 1 लेता हूं और अगर मैं इसको लेता हूं 1 तो 2-2, यहां से चलूंगा तो 2-2-डाइमिथाइल-4-ब्रोमो है ना, और 4 क्या आएगा, फिनाइल, वहां से चलूंगा तो 1-ब्रोमो-1-फिनाइल 1-1-2-3-3, तो वहां से चलने पे मेरे पास क्या आ रहा है 1-1-3-3, यहां से चलने पे क्या आ रहा है मेरा 2-2-4-4, तो ऑब्वियसली वाला वो वाला बेटर है, लोअर लोकेंट है ये, तो 1-2-3-4, तो क्या बोलेंगे 1-ब्रोमो, ठीक है, 3-3-डाइमिथाइल 1-फिनाइल-ब्यूटेन, ये बोल सकते हो, और दूसरा अगर आपको बेंजीन को मेन चेन लेना है तो फिर ये पूरी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, अगर ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स ब्रांच तो 1-2-3-4, तो आप बोलोगे 1-ब्रोमो 3-3-डाइमिथाइल
ब्यूटाइल बेंजीन, तो फिर बेंजीन आपका मेन चेन आ जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1-bromo-3-3-dimethyl ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, किस टाइप का ये हैलाइड है, ये बेंजाइल है, क्योंकि बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और वो कार्बन अपने आप में कितना डिग्री है, अभी वो कार्बन अपने आप में 2 डिग्री है, तो ये सेकेंडरी बेंजाइल हुआ, तो ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है। फाइन, कर लोगे ये। नेक्स्ट वन, CH3C2H5 twice, तो CH3C2H5 twice CH2Br। अब फिर से यहां पर लॉन्गेस्ट चेन देख लो, तो यहां पर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें तो दैट विल बी 1, 2, 3, उधर को जाऊंगा तो 4, उधर को 4, पर नीचे को 4 and 5, लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई, तो 1, 2, 3, नीचे से चलूं तभी 3 पे आना है यार, ऊपर से चलूं तभी 3 पे आना है, तो 3 पे एक तो हो गया ब्रोमो मिथाइल और एक हो गया मिथाइल, तो 3 पे ब्रोमो मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 3-bromo-3-methyl pentane 5 कार्बन। ठीक है ना, क्या 3 पे देखो ये ले लो ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 3 पे ब्रोमो मिथाइल 3-methyl pentane और कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इट्स सिंपली 1 डिग्री, तो बाकी तो आई थिंक कर ही लोगे, सिंपल से है। लास्ट वाला देख लेते हैं, ऑर्थो ब्रोमो C6H4, और ठीक है तो ऑर्थो ब्रोमो C6H4, चलो ऑर्थो पे ब्रोमो लगा दिया हमने, एंड CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये आ गया। तो बेंजीन पे क्या लगा हुआ यार, ये वाला क्या है, ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ, दिस इज सेक ब्यूटाइल और 2-bromo है ना, और इसको 1 लूंगा या इसको 1 लूंगा यार, ये ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो इसको 1 लूंगा, इसको 2 लूंगा, तो 2 पे सेक ब्यूटाइल है, 1 ब्रोमो है और ये बेंजीन है, 2 पे क्या है, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल नहीं बोलना है तो आप ये बोल लो मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स नाम करेंगे तो 1-methyl propyl या सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल लो, तो ये डायरेक्टली कौन सा है, ये बेंजाइल है या ये अराइल हैलाइड है, ये बेटा अराइल हैलाइड है क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्टली ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन था। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब इनके मैं ड्रॉ नहीं करने वाला क्योंकि बहुत टाइम इसमें वेस्ट होता, बहुत सिंपल सी चीज है, तो चलिए जल्दी इनको स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो पहला क्या है, CH3CH उस पर CL, फिर CHBrCH3, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट कहीं से भी चलोगे लोकेंट्स आपके 2 और 3 पे ही आने हैं, तो जब लोकेंट्स मेरे सेम हैं तो ब्रोमो और क्लोरो में से अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस किसको दूंगा मैं, ब्रोमो को, तो ऑब्वियसली नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, तो 1, 2, 3, 4 दैट इज 2-bromo-3-chloro-butane। फाइन, सिंपल था ये, डन है, जल्दी से एक बार उसको देख लो और समझ आ रहा है तो लाइक करते चलो, शेयर जरूर कर देना है, ठीक है, अनअकैडमी जेई पे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। सेकंड वन, CHF2CBrCClF, मतलब अल्टीमेटली 2 ही कार्बन है मेन चेन में, कार्बन 2 ही है, पहले वाले पे 2 फ्लोरीन और 1 H और अगले वाले पे 1-bromine-chlorine और 1 fluorine लगा हुआ है, तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ काउंट ही करनी है ब्रांचेस और अल्फाबेटिकल तरीके से उसको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन इज 1 किसको बोले, अल्फाबेटिकल है ना, ये 1-1-1 तो ये 2-2 और ये 1-1 तो ये 2-2-2, तो लोकेंट देखेंगे, अल्फाबेटिकल तब देखते हैं जब लोकेंट सेम आ जाता है, अगर आप इसको 1 बोलते हो तो 1-1 और ये 2-2-2, ठीक है, और अगर वहां से चलते हैं हम 1-1-1 तो ये हो जाएगा 2-2, ओके। अब देखो यहां पर नाम क्या दिया हुआ है, अच्छा 1-bromo-1-chloro-1-2-2 ट्राईफ्लोरोइथेन, अच्छा उन्होंने 1-1-1 और 2-2 किया हुआ है, ठीक है, यहां से आ रहा है आपका 1-1-1 2-2 और इधर से आएगा आपका 1-1, ओ यस वो वाला नजदीक पड़ रहा है ना आपको, दैट इज गिविंग यू लोअर लोकेंट, 1-1-1 2-2, तो 1-bromo अल्फाबेटिकली, 1-chloro ठीक है, 1,2,2 ट्राईफ्लोरोइथेन, सिंपल। थर्ड वन देखो, CL CH2 C triple bond CCH2 BR, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है, CL CH2 C
ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू बी आर. अब सिमिट्रिकल सा है तो नंबरिंग आप कहीं से भी करोगे लोकेंट तो वही आने वाले हैं, तो फिर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस आएगी. अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस आएगी ब्रोमिन की पहले, तो वन ब्रोमो, तो ये वन टू थ्री फोर, वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूट टू आयन. समझ आ रहा है ये, क्लियर है ये. और दूसरी एक चीज मेरे को इस पे आपने फीडबैक जरूर देना है कि ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले हम लेक्चर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसका आपको कितना बेनिफिट हुआ, कैसा ये रहा ओवरऑल प्रोसेस, ये कैसा रहा, ठीक है. देखिए नेक्स्ट वन जो यहां पर था, CCl3 थ्राइस CCl, मतलब इस कार्बन के साथ तीन CCl3 जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ तीन CCl3 जुड़े हैं और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है. तो बेटा काम पहले आपका क्या है, अभी आपको लगेगा सर ठीक है इस कार्बन को मेन चेन लो तीनों ब्रांचेज आ गई, नो, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो. अगर मैं देखूं, देखो वन टू थ्री, तीन कार्बन की तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनी रही है ना, हाँ ये वाला मेरा ब्रांच में जा रहा है पूरा ही, पर ये तीन और ये तीन, ये जो छह क्लोरीन है ये मेरे मेन चेन के साथ जुड़े हुए हैं. हाँ ये वाले तीन जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, मेन चेन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए. तो क्या करूंगा, वन 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 टू थ्री थ्री थ्री, ये तो क्लोरो हो गए, तीन चार पांच छह सात, सात क्लोरो तो ये हो गए, और टू पे ट्राइक्लोरो मिथाइल आ गया है ना. तो पहले क्या आ गया, वन 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 टू थ्री 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 हेप्टाक्लोरो, और टू पे ट्राइक्लोरो मिथाइल, और तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपेन. आई थिंक सिंपल था, नॉट मच ऑफ के क्या करना. हाँ कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, बच्चे गलती कर सकते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेन में आराम से पूछा जा सकता है, और बोर्ड के काम का तो है ही है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको पूछा गया वो ये है, ठीक है, जो पूछा गया था, अगर आप बुक खोल के देखेंगे साथ में, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक रखी है अभी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने साथ में अभी बुक रखी हुई है रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं तो साथ में बुक रखना आपका जरूरी है. सेकंड जो आपको ये पूछा गया, इट इज अ बिट ऑफ कि सर क्या है ये, ठीक है. देखो अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं इस बेंजीन रिंग को मेन चेन ले लूं तो बेचारा ये इसका देश निकाला हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे तो है ना, ये तो एक को मैं मेन चेन लूं और दूसरे को ना लूं ऐसा कैसे हो पाएगा, दोनों को इकट्ठे में लूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो काम करते हैं दोनों को बाहर करते हैं यार, दोनों को ही नहीं लेना मेन चेन, हम ये जो बीच वाली अल्केन वाली चेन है ना इसको मेन चेन ले लेंगे, इन दोनों को कॉम्प्लेक्स ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है. तो देखो यहां पर कितना आया, इन ब्रांचेज में फोर फोर पोजिशन में, मतलब पैरा पोजिशन पे क्लोरो लगा हुआ है ना, पैरा पोजिशन पे क्लोरो लगा हुआ है, फाइन. और देखो अभी क्या है, फोर फोर डैश थ्री ब्रोमो ब्यूटेन, एक तरीका तो ये कि आप इसको मेन चेन ले लो, वन टू थ्री फोर और टू कॉमा टू, ठीक है, बिस करके कर लो आप पैरा क्लोरो फिनाइल, ओके, और अल्केन के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लो. और दूसरा है कि आप दोनों बेंजीन रिंग को ही मेन चेन में काउंट करो, जैसे कि यहां पर इन्होंने किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये भी एक नाम हो सकता है, वो दूसरा वाला भी एक नाम हो सकता है. तो यहां पर क्या किया इन्होंने, फोर कॉमा फोर डैश, वाई इज फोर कॉमा फोर डैश, और मेन लिया बिस क्लोरोबेंजीन, कि क्लोरोबेंजीन दो हैं तो क्लोरो के रिस्पेक्ट में, क्लोरो के रिस्पेक्ट में ये फोर है पोजिशन है, और इस क्लोरो के रिस्पेक्ट में भी ये फोर है, तो दो बार आप फोर नहीं लिख सकते उस बेंजीन रिंग में. अगर आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलाया है तो यहां वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश ऐसे चलेगा, तो उसका फोर तो इसका फोर डैश, तो तब लिखा है फोर फोर डैश, है ना, कि दोनों बेंजीन रिंग से इन पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ है. और है क्या ये, इट इज वन टू थ्री, थ्री ब्रोमो ब्यूटेन, तो थ्री ब्रोमो ब्यूटेन टू कॉमा टू डाइल, मतलब यहां से टू पोजिशन पे ये जुड़े हुए हैं, बिस क्लोरोबेंजीन. यस इट इज अ बिट टिपिकल नेम, कॉम्प्लिकेटेड है. दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि चुपचाप ये कर लो, दिस विल बी, अगर लिगेंड देखेंगे तो वन टू, हाँ थ्री ब्रोमो टू कॉमा टू, ठीक है, टू कॉमा टू बिस फोर क्लोरो फिनाइल, ठीक है, फोर क्लोरो फिनाइल, और उसके बाद क्या आएगा, थ्री ब्रोमो हो गया पहले ब्यूटेन, तो थ्री ब्रोमो टू कॉमा टू बिस पैराक्लोरो या फोर क्लोरो फिनाइल
ब्यूटेन, वो नाम भी आप लिख सकते हो, ये नाम भी आप लिख सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप अवॉइड भी करो तो चलेगा। नेक्स्ट वन, ये वाला गैस देखिए, ये वाला भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। अब इसमें फिर से दो तरीके हैं, या तो आप बेंजीन को मेन चेन ले लो या आप एल्कीन को मेन चेन ले लो। तो हमारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जनरली क्या करते हैं, हम एल्कीन को ही मेन चेन ले लेते हैं। तो अगर हम एल्कीन को मेन चेन लेंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। तो दो नाम मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है, दो नाम में क्या आ सकते हैं, एक तो आता है कि ये वन पे क्लोरो हो गया, अल्फाबेटिकल लिखूंगा ना मैं, तो ये वन आ जाएगा, वन क्लोरो, और वन पे फोर आयोडो या पैरा आयोडो फिनाइल या फोर आयोडो फिनाइल, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट्स क्लोज, फिर उसके बाद 3.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ओ सॉरी नॉट ब्यूटेन, ब्यूटीन ये कर सकते हो। दूसरा बेंजीन को मेन चेन ले लो, बेंजीन को मेन चेन लोगे तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच आएगी, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या आएगी, फिर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी बेंजीन की, ये वन हो जाएगा, तो वन पे क्या जाएगा, इस वन पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच में वन क्लोरो 3-3 डाइमिथाइल ब्यूट वन इन वन आइल, वन इन का मतलब है ठीक है वन पे डबल बॉन्ड है और ये वन के थ्रू ही कनेक्टेड है, तो वन आइल का मतलब है कि वन के थ्रू ही वो कनेक्शन बना रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसलिए वन आइल लिखते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 आयोडो बेंजीन, दोनों नाम वैलिड है। जेड ये आपका ई जेड है ना, ई जेड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है कि अभी यहां पर ई और जेड में से कैसे दिया होगा, बस चलिए ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से, ठीक है, देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। देखो पहला वाला, अब जब स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो आप मेन वर्ड रूट पकड़ो, पेंट है 5 कार्बन, ये 5 हो गए, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 1, 2 पे क्लोरो लगा दिया, 3 पे लगा दिया आपका मिथाइल, सिंपल। सेकंड देखिए, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, मतलब ब्रोमो और क्लोरो दोनों आपस में पैरा पोजिशन पे लगे हुए हैं। फिर थर्ड देख लीजिए, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में 1 पे लगा दिया आपका क्लोरो, 4 पे लगा दिया आपका इथाइल, तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाली चीजें। फोर्थ वाले में 2 पे 2 क्लोरो फिनाइल 1, मैंने क्या बोला, वर्ड रूट पकड़ो, ऑक्ट 8 कार्बन, 2, 4, 6, 8, राइट। 1 पे आयोडो है, अगर मैं यहां से 1 से स्टार्ट करूं तो ये 1 पे आयोडो लगा है, और 2 पे क्या लगा है, 2 क्लोरो फिनाइल, मतलब जो फिनाइल है उसमें भी जो क्लोरो है वो 2 पे है, मतलब ये ब्रांच मेन चेन में सेकंड पोजीशन पे है और उस ब्रांच में भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, मतलब बेंजीन में भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है। फिफ्थ वाला, पर फ्लोरो बेंजीन एक्चुअली क्या होता है, इसमें बेंजीन के 6 के 6 पोजीशन पे फ्लोरीन लगी होती है, तो दिस इज C6F6। फिर 6 वाला, 4-tert-butyl-3-iodo-heptane, ओके, हेप्टेन है 7 कार्बन है, 2, 4, 6, 7, ठीक है, तो 4-tert-butyl, 1, 2, 3, 4, 4 पे आ गया ये tert-butyl जस्ट लाइक प्लस क्रॉस का मार्क, एंड 3 पे आयोडो, 1, 2, 3, 3 पे आयोडो, ये आ गया 1-bromo-4-sec-butyl-2-methyl-benzene, बहुत ही सिंपल, देखो 2-methyl-benzene, 1-bromo-4-sec-butyl है, वन पे ब्रोमो है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो ये आ गया आपका सेक ब्यूटाइल, और क्या था, भूल गया मैं, हाँ 1-bromo-4-sec-butyl-2-methyl-benzene, ठीक है 2-methyl-benzene, तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे आपका मिथाइल है और 4 पे आपका सेक ब्यूटाइल है। सेक ब्यूटाइल क्या होता है यार, ब्यूटेन क्या होती है, 4 कार्बन की चेन होती है, ब्यूटेन आपकी 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, ये एंड वाले कार्बन जो है ये प्राइमरी है, तो जब मैं इसी से कनेक्शन देता हूं तो उसको एन ब्यूटाइल बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटाइल। जब ब्यूटाइल के 4 कार्बन में से मैंने जो बीच के 2 कार्बन ना ये सेकेंडरी है, इनके थ्रू कनेक्शन दे दिया मेन चेन में, तो इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन के थ्रू मैंने जोड़ा उसको, तो ये मेरा ब्यूटेन था, 4 कार्बन का ब्यूटेन, इसको भूल जाओ पूरा,
ये ब्यूटेन है, इसके सेकेंडरी कार्बन से मैंने जोड़ दिया उसको जब, तो उसको फिर सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। पढ़ाया हुआ सारा सारा मैंने आईयूपैक नेमिंग वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये हो गया 1,2-dimeromobut-2-in, तो कर लोगे यार, तो बच्चों वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट? CH2Cl2, बच्चों कार्बन होता है यहां पे टेट्राहेड्रल। तो अगर आप देखेंगे सभी के बीच में एक क्लोज टू 109.5 का एंगल होना चाहिए, क्लोज टू। और CHCl3 की बात करोगे और CCl4, अरे यार CCl4 में तो चारों सेम वेक्टर्स होंगे, सेम एंगल पे होंगे, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, इसकी तो जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। इन दोनों में क्या होगा, ये दो वेक्टर हैं, हाँ रफली क्लोज, मतलब 109-10 के आसपास के एंगल के होंगे, बट ये तीनों का रिजल्टेंट यहां पर क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, है ना, इसमें इन दोनों का लगेगा, बट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, राइट, इन दोनों का मान लीजिए ये दो का है, दो का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, उन दोनों के रिजल्टेंट को जो तीसरा वेक्टर है, वो तीसरा वेक्टर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा क्या, नहीं, 90 डिग्री के अंदर हो तो वो सपोर्ट करता है, 90 डिग्री से बाहर हो तो उसका एक जो क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं ना आप, ठीक है, उसका एक जो पार्ट होगा वो उसको क्या काटेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट जो होगा वो उसको कट करेगा। तो क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री से बड़े एंगल पे, तो दो का आप रिजल्टेंट लोगे उसका तीसरे के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो कट करेगा, तो मैक्सिमम जो डाइपोल मोमेंट आएगी यहां पर आपकी CH2Cl2 की आएगी, ठीक है। चले गाइस, तो फोर क्वेश्चन हमने करने थे, फोर क्वेश्चन हमने कर लिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जेई लाइव डेली के सारे हमारे जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, वो सारे सारे नोट्स आपको एक जगह पे चाहिए, 11th 12th PCM के, जस्ट गो टू द tinyurl.com/jeemobile, सारे नोट्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आपको और नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, आप अपनी कोचिंग मतलब जो जहां भी जाना चाह रहे हैं, घर बैठ के अगर आप चाह रहे हो कि बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएं, तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन। क्या है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन नॉर्मली क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इज कि आपने सब्सक्राइब कर लिए जेई के लिए, अब जेई में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सारे आप देख सकते हो। बेटा अनअकैडमी पे 60 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, कोटा के एजुकेटर्स है, हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है, ठीक है, वी ऑल आर टीचिंग लाइव, तो घर बैठ के आप हमारी लाइव क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। देखिए क्लास जब हो रही है, वहां पर कोई क्वेश्चन दिया आपको, चार ऑप्शन आई, कितने बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया, बी किया, सी किया, डी किया, वो परसेंटेज पूरा दिखता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज NTA के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है, क्विज है, कितना आपने परफॉर्म किया, ओवरऑल स्कोर क्या है, टॉपर के रिस्पेक्ट में स्कोर क्या है, लाइव डाउट क्लीनिंग सेशन यहां पर होते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 11th का बच्चा सिर्फ 11th देख पाएगा, 11th का बच्चा 12th के बैच भी देख सकता है, ड्रॉपर के बैच भी देख सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन टू यू। टेस्ट सीरीज भी आपको सबको मिल रही है, तो जो आपको एजुकेटर्स बेस्ट लग रहे हैं सबके कोर्स देखो, 6 लोगों से केमिस्ट्री पढ़नी है पढ़ सकते हो। लाइव डाउट क्लीनिंग सेशन में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, क्वेश्चन का फोटो क्लिक किया, लाइव सेशन में अपलोड कर दिया और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो चैट के थ्रू आप इंटरेक्ट कर पाते हो। तो ये सारी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। तो करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो प्रोफाइल पे जाके प्लस पे क्लिक करें, नेक्स्ट में चूज योर गोल, IIT के लिए, नीट के लिए, किस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में गेट सब्सक्रिप्शन। तो बच्चे 1 month से लेके 2 year तक का सब्सक्रिप्शन है अवेलेबल, बट IIT के लिए ऑब्वियसली बात है यार, ढंग से तैयारी करनी 1 साल तो कम से कम लगता है, तो मिनिमम यू शुड गो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन और द 2 year सब्सक्रिप्शन, और उस पे भी देखिए 1 year सब्सक्रिप्शन सिर्फ 30,000 का है, यू पुट द कोड PT लाइव कोड आप यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो डोंट फॉरगेट द कोड PT लाइव और जल्दी से जल्दी आ जाओ, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं कि इससे बेटर लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। चलिए तो उसको शेयर जरूर कर देना विद #JEELiveDaily एंड #LetsCrackIt। सो थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन, और फीडबैक आपकी कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए, हम पूरा NCERT सॉल्यूशन कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी। थैंक यू गाइज, बाय।